दोस्तों, वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक नगर है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। ये स्थान श्री कृष्ण की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। मथुरा शहर में स्थित वृंदावन नगर श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण और राधा रानी के कई और मशहूर मंदिर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो हमारी सलाह है कि इस बार बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद इन प्रसिद्ध मंदिरों में भी दर्शन करने जरूर जाएं। इन मंदिरों की भी अपनी ही एक अलग महत्ता है। क्या हुआ जब वृंदावन जाती हुई बस गिरी यमुना नदी में? उसके बाद बांके बिहारी लाल का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख कर आपके होश उड़ जाएंगे। मथुरा श्री कृष्ण की जन्म भूमि है और वहां पर होने वाले चमत्कारों से कौन अवगत नहीं है। सभी ने बांके बिहारी के चमत्कारों के बारे में कभी ना कभी तो सुना या देखा ही होगा। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ दिल्ली में रहने वाले आदित्य जी के साथ, जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आदित्य प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। आदित्य एक बड़े ही लंबे समय से श्री कृष्ण का भक्त है और उनकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। एक दिन आदित्य ने अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ ही श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जाने का निर्णय लिया। आदित्य के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 14 लोग थे। आदित्य ने सभी के लिए एक छोटी बस मंगा ली थी जिसमें 14 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। आदित्य 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 10 बजे वृंदावन के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर 5 से 6 घंटे का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से बांके बिहारी का जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते देखते उन सभी ने अपना आधा सफर पूर्ण कर लिया था। उसके बाद भी सभी का भक्ति भाव बांके बिहारी के लिए कम नहीं हो रहा था। उस समय आदित्य की बस एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं था। आदित्य को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि रात में जा रही गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी डर गए। सभी ने बस के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। बस वृंदावन के कुछ किलोमीटर पहले यमुना नदी के पास पहुंची थी। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आई। टायर फटने के बाद बस यमुना नदी की तरफ चली गई और जाकर एक पत्थर से टकरा गई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो एक लोहे की बड़ी कील टायर में घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए। उन्हें भरोसा हो गया कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत ही बस में चढ़ गए और खिड़की दरवाजे फिर से बंद करके बांके बिहारी को याद करने लगे। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मारकर बस के नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूट कर वो भागने लगे। अब सबसे पीछे बैठा हुआ आदित्य बांके बिहारी लाल को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति भागता हुआ आया और उन लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु वो व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक व्यक्ति को माथे पर स्पर्श किया, परंतु फिर जो हुआ वो देखकर बस में मौजूद सभी हैरान हो गए। लुटेरा व्यक्ति के स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया और उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो यमुना नदी की तरफ चली गई। इस पर अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए बुलाकर लाता हूं। सब सोचने लगे कि सुनसान रास्ते के बीच ये व्यक्ति कैसे किसी को बुलाकर लाएगा। सभी बस के अंदर बैठे उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे और किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे। सभी की आंख लग गई और कुछ 30 मिनट के बाद आदित्य की आंख खुली। उसने उस बस से नीचे उतर कर उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु उसे वहां कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बस पर पड़ी जो बिल्कुल रोड पर खड़ी हुई थी और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देखकर आदित्य आश्चर्य में पड़ गया। आदित्य ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि ये टायर कैसे ठीक हो गया।
ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी बस से नीचे उतरकर आए किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भयानक अंधेरा और सुनसान रास्ते में वो व्यक्ति आया तो आया कहां से, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया। तब आदित्य समझ चुका था कि वो व्यक्ति कोई और नहीं स्वयं बांके बिहारी जी थे, जिससे आदित्य ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हरे कृष्ण का जयकारा लगाया और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की ओर निकल गए। दोस्तों, भक्त के जीवन में चमत्कार करते रहते हैं। बिहारी जी नटखट हैं और छोटे से बालक भी हैं, इसीलिए भक्त के जीवन में बिहारी जी चमत्कार करते रहते हैं। बांके बिहारी जी के धाम की खासियत, वृंदावन अनादि काल से है, माना जाता है कुंज गलियां इसकी प्राण है। वृंदावन की गलियों में आम दिनों में भी सुबह और शाम के वक्त अच्छी खासी भीड़ होती है। प्रहलाद बल्लभ बताते हैं कि गर्ग संहिता के अनुसार वृंदावन अनादि काल से है। महापर्लय के बाद जब भगवान बाल गोपाल नवीन सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो इसका शुभारम्भ इसी वृंदावन से होता है। गर्ग संहिता के मुताबिक श्रीमन नारायण की उत्पत्ति श्री जी के मन से हुई है और श्री जी वृंदावन के बिहारी जी के हृदय में विराजमान रहती हैं। गलियों में प्राचीन मंदिरों के दर्शन, इस बसावट की सबसे बड़ी बात है वृंदावन छोटा शहर है। यहाँ आने वाले लाखों तीर्थ यात्री अपने आप से घूमते फिरते रहते हैं। छोटी कुंज गलियों से फायदा ये है कि तीर्थ यात्री अपने एक गली से दूसरी गली में पहुंच जाते हैं और आसानी से सभी प्राचीन मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने जब पूछा, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने इसके बारे में पूछा था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान आप रहते कहाँ हैं? सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तब भगवान ने ये उत्तर दिया था, ना तद्वा सहते सूर्यो, ना शशांको, ना पावका, यद गत्वा निर्विन्दन्ते तद धाम परम मम। 500 वाले पहले संगीत साधना से बिहारी जी प्रकट हुए। प्रहलाद बल्लभ गोस्वामी बताते हैं कि आज से करीब 500 साल पहले स्वामी हरिदास जी ने संगीत की साधना के जरिए इसी श्री धाम वृंदावन के निधिवन में प्रिय प्रीतमा की जोड़ी को प्रकट किया। यही जोड़ी बाद में उनकी श्यामा श्याम की प्रार्थना पर एक हो गई, जो आज आम जनमानस को ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज के रूप में दर्शन दे रहे हैं। वृंदावन के हर घर में ठाकुर जी विराजते हैं। वृंदावन में करीब 5,500 मंदिर हैं। प्रमुख मंदिरों में कुंज गलियों में घूमते हुए आसानी से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ हर घर में ठाकुर जी विराजते हैं। इनमें सप्त देवालय, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, गोकुलानंद मंदिर, राधा रमण मंदिर शामिल है। इन मंदिरों की स्थापना वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने की थी। दोस्तों, जहां नजर दौड़ाओ मंदिर ही मंदिर। श्रीतरीय संप्रदा के बांके बिहारी, राधा वल्लभ, किशोर वन, युगल किशोर मंदिर, अष्ट सखी मंदिर, कात्यायनी मंदिर, रंगजी मंदिर, इस्कॉन टेंपल, प्रेम मंदिर, माता वैष्णो मंदिर शामिल हैं। तो ये थी हमारी आज की खास वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।